This is the passage which was given to the students in the exam of IELTS on 26 November 2022 in evening slot. So let's start with the passage. The Dugong Sea Cow. As I told you in my previous video that we will follow the technique, and the technique of the and the name of the technique is IUP method. So we will follow the same method for solving this passage. Let's start with the reading of questions. R stands for read the questions first. U stands for understand the demand. N underline the keywords. P stands for passage reading. So dear students, actually में the Dugong Sea Cow एक passage था जो students को दिया गया था, जो appear हुए थे IELTS के exam में 26 November 2022 को evening slot में. Some questions were there, but some questions जो थे वो out of the passage थे. It means कि ये इस passage के सिर्फ fill-ups ही थे जो relevant थे, बाकी के कुछ क्वेश्चंस थे वो डिफरेंट थे. तो हम यहाँ से इस वीडियो में हम इसके फिलअप्स को डिस्कस करने वाले हैं. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद द पैसेज. द डगोंग सी काउ. क्वेश्चन 1-4. समरी. कंप्लीट द फॉलोइंग समरी ऑफ द पैराग्राफ्स ऑफ रीडिंग पैसेज यूजिंग नो मोर देन 2 वर्ड्स फ्रॉम द रीडिंग पैसेज फॉर ईच आंसर. राइट योर आंसर इन बॉक्स 1-4 ऑन योर आंसर शीट. Dugongs are herbivorous mammals. Herbivorous होते हैं जो सिर्फ green plants खाते हैं, जो herbs खाते हैं. Dugongs are herbivorous mammals that spend their entire lives in sea. Yet dugongs are picky on their feeding seagrass and only choose seagrass with higher blank and lower fiber. वो क्या करते हैं, चूज करते हैं सीग्रास विद हायर, जो मतलब किसी चीज में रिच हो, किसी पर्टिकुलर चीज में. यहाँ पे हम उस मिनरल का नेम हाईलाइट करेंगे. एंड लोअर फाइबर. अब आप कहेंगे कि मैम को कैसे हिंट है कि यहाँ मिनरल है, क्योंकि फाइबर इज अनदर मिनरल है ना, अनदर पार्ट ऑफ अ डाइट. तो यहाँ पे भी कोई मिनरल आएगा जो किसी चीज में रिच होगा और लोअर होना चाहिए फाइबर में. टू कंपनसेट फॉर देयर पुअर आई साइट दे यूज देयर. इस चीज को कंपनसेट करने के लिए, पुअर आई साइट को, दे यूज देयर. वो किसी चीज को यूज करते हैं. देयर है तो अड्जेक्टिव है, पोजिशन है कि वो अपनी किस चीज को यूज करते हैं. टू फील देयर सराउंडिंग्स, कि वो अपने सराउंडिंग्स को फील कर सके. इट इज लाइक डगोंग्स आर फार्मिंग सी ग्रास. ऐसा है कि जैसे डगोंग्स हैं वो एक फार्मिंग सी ग्रास है. दे ऑफन लीव. लीव मतलब छोड़ देते हैं किसी चीज को रेंडमली इन ऑल द डायरेक्शंस. सारी डायरेक्शंस में किसी चीज को वो रेंडमली छोड़ देते हैं अक्रॉस द सी बेड. सी बेड सी के किनारे या सी के निचली स्तर पर भी बात हो सकती है. Dugongs prefer eating the newly grew sea grass recovering from tiny. Dugongs prefer करते हैं eat करना newly sea grass को जो recover करती है tiny, किसी चीज के छोटे कण के बारे में बात हो रही है, left behind by the grazing dugongs, जो किसके द्वारा छोड़ दी जाती है, grazing dugongs के बारे में छोड़ दी जाती है. तो अभी मुझे यहाँ से कौन सी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना है, कि कोई मिनरल है जो हायर है, जो रिच है, वो यूज करते हैं सराउंडिंग्स को फील करने के लिए, वो लीव कर देते हैं किसी चीज को रेंडमली इन डायरेक्शन, वो रिकवर करते हैं फ्रॉम टाइनी, किसी चीज के टाइनी डैश. कौन से बात कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है. लेट स्टार्ट विद द पैसेज. डगोंग्स आर हर्बीवोरस मैमल्स दैट स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स इन द सी. देयर क्लोज रिलेटिव दैट मनेटीज. मनेटीज क्या है, जल गाय, समुद्री गाय के वो बोला जाता है. ऑल्सो वेंचर इन टू और लिव इन फ्रेश वाटर. टूगेदर डगोंग्स एंड मनेटीज मेक अप द ऑर्डर सिरनिया और सी काउस. सो नेम्ड बिकॉज डगोंग्स एंड मनेटीज आर थॉट टू हैव गिवन राइज टू द मिथ ऑफ द मरमेड्स और सीरियंस ऑफ द सी. The dugong, which is a large marine mammal, which together with the manatees looks to, rather like a cross between a rotund dolphin or a walrus. Its body flippers and fluke resemble those of a dolphin, but it has no dorsal fin. Its head looks somewhat like that of a walrus without the long tusks. तो यहाँ पे अगर देखा जाए, डगोंग एक लार्ज मैरीन मैमल है जो मैनेटीज के जैसा एक दिखता है, रिजेंबल करता है बहुत. मतलब उसके बाद उनके क्या किए गए हैं, एनाटॉमी को बताया गया. फ्लिपर्स यूज करते हैं, रिजेंबल करते हैं, जो एक डॉल्फिन की तरह करते हैं. फ्लिपर क्या है, काइंड ऑफ शू फॉर स्विमिंग. अब यहाँ पे डॉल्फिन का शू नहीं हो सकता, तो मतलब उनके जैसे फीचर्स होते हैं, उनके पाओ के नीचे कुछ इस तरह का फीचर होता है जो उनको स्विम करने में हेल्प करता है. तो यहाँ पे इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है, ठीक है. इट हैज नो डॉर्सल फिन. उनका कोई डॉर्सल फिन नहीं होता है. उनका जो हेड है वो कैसे होता है, बिल्कुल जैसे वेलरस होता है वैसे होता है, बिना किसी लॉन्ग टस्क की होता है. डगोंग्स अलोंग विद अदर सिरनियंस हुज डाइट कंसिस्ट मेनली ऑफ सी ग्रास एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डगोंग्स वेरी क्लोजली फॉलोज दैट ऑफ दीज मैराइन
flowering plants. As sea grasses grow rooted in the sediment, they are limited by the availability of the light. Consequently, they are found predominantly in shallow coastal waters, and so too are dugongs. But this is not the whole story. Dugongs do not eat all species of seagrass. Wo sari species nahi khate hain seagrass ki, prefer karte hain seagrass of higher nitrogen and lower fiber content. तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस के डिमांड को समझ लिया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन की जो डिमांड थी हायर था. हायर क्या था? नाइट्रोजन था. जो लोअर है वो क्या है? फाइबर कंटेंट है. तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से सॉल्व हो गया है. फर्स्ट क्वेश्चन की जो लोकेशन है हमें मिल चुकी है. हम इसका आंसर लिखेंगे हायर नाइट्रोजन. इट्स NITROGEN नाइट्रोजन. Due to their poor eyesight, dugongs often use smell to locate edible plants. They also have a strong tactile sense. Tactile sense matlab sparshniya, and feel their surroundings with their long sensitive bristles. तो यहाँ पे क्या था कि compensate करने के लिए poor eyesight को वो use करते थे. ठीक है, किसको? अपने sensitive bristles को. किस चीज के लिए? To feel their surroundings. तो feel their surroundings के बारे में बात यहाँ पे हो रही है. तो आपने confuse नहीं होना है, आपने tactile sense नहीं लिखना है. ठीक है, तो this is the clear answer of question 2. तो answer जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? Sensitive bristles. तो यहाँ पे हम इसको answer mark कर लेते हैं. It's S E N S I T I V E sensitive bristles. It's BRISTLES. Bristles, they will give up an entire plant and shake it to remove the sand before eating it. They have been known to collect a pile of plants in one area before eating them. The flexible and muscular upper lip is used to dig out the plants. When eating, they ingest the whole plant, including the roots. Although when this is impossible, they will feed on just the leaves. A wide variety of seagrass has been found in the dugong stomach content, and evidence exists they will eat algae when seagrass is scarce. Although almost completely herbivorous, they will occasionally eat invertebrates such as jellyfish, sea squids and shrimpfish. और हमें किसी question के regarding कोई relevant information इसमें नहीं मिला है, तो हम इसको यहाँ पे skip कर देते हैं. Heavily grazed sea grass bed looks like a lawn mown by a drunk. The dugongs graze apparently at random with a sea grass bed. Their trails meandering in all directions across the bottom. सी बेड क्या था? बॉटम लेयर ऑफ द सी था. डायरेक्शंस, ऑल द डायरेक्शंस के बारे में बात हो रही है. रेंडम ही उसको छोड़ देते हैं. ट्रेल्स के बारे में बात कर रहे हैं वो यहाँ पे. मेंडरिंग मींस घुमावदार स्पाइरल वीकन से. ट्रेल्स क्या होते हैं? निशान छोड़ते हैं. दे ऑफन लीव ट्रेल्स रेंडमली इन ऑल द डायरेक्शन. सो द आंसर इज ट्रेल्स. यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है. तो इसका आंसर जो बनेगा वो ट्रेल्स बनेगा. It's TRAILS. This is rather an inefficient means of removing seagrass that results in numerous small tufts remaining, and this is where the dugongs derive some advantage from their inefficiency. The species that recover most quickly from this disturbance spreading out vegetatively from the remaining tufts are those that dugongs like to eat. In addition, the new growth found in these areas tend to be exactly what hungry dugongs like. तो यहाँ पे क्या है कि this is rather inefficient means in move करने का seagrass को, जिसका result निकलता है numerous small tufts remaining. Numerous small, small means tiny tufts remaining के बारे में बात हो रही है, जो छोड़ दिए जाते हैं left behind किनके द्वारा. एंड दिस इज वेयर डगोंग्स ड्राइव करते हैं एडवांटेज को. इनएफिशिएंसी होती है, ये रिकवर करते हैं इस डिस्टर्बेंस को जो सेपरेट की जाती है रिमेनिंग टफ से. द डगोंग्स दैट लाइक टू ईट आर दोज दैट लाइक्स टू ईट.
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टाइनी के बारे में बात हो रही है, न्यूमरस स्मॉल के बारे में बात हो रही है, टफ्स के बारे में बात हो रही है, रिकवर करने की बात कर रहे हैं, रिकवर के लिए रिमूविंग सीग्रास दैट रिजल्ट्स के बारे में बात की है, फिर यहाँ पे इनएफिशिएंसी है दैट रिकवर ऑलमोस्ट सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं। तो पूरा यहाँ पे जिस कीवर्ड के ऊपर फोकस किया जा रहा है दैट इज द टफ्स। तो हमारा जो क्वेश्चन 4 बनता है उसका आंसर क्या बनता है, टफ्स, इट्स TUFTS। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। देयरफॉर स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू एडवाइस यू काइंडली वॉच आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, बिकॉज बहुत सारी रीडिंग्स हैं जो आपको एग्जाम में रिपीट हो रही हैं। सो दिस वाज अ रीडिंग जो स्टूडेंट्स को दी गई थी इवनिंग स्लॉट में 26 नवंबर 2022 को सॉल्व करने के लिए। फिलअप्स वर द सेम, बाकी क्वेश्चंस डिफरेंट थे। आई होप कि दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू इन पॉलिशिंग योर फिलअप्स रिलेटेड डाउट्स इन द रीडिंग मॉड्यूल। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।